लड़ना मत। और इसमें लड्डू है गोंद के, चुपके से खा लेना, किसी को देना मत। देख लिया तो? अरे कैसे देख लिया? अरे बांट के खाना, गोंद के लड्डू वैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं। झांसी की रानी, वाह देखा। अरे जय है माँ, अपने बेटे को सिपहिया बनाने चली है। बतन की राह पे बतन के नौजवान शहीद हो, खसम को मरे महीना नहीं हुआ और अपने बेटे की चिता सजाने चली है। जे तू नहीं बोल रही है करम की जली, बेदस फौजी बोल रहे हैं जिन्हें तुम लोगों ने बना दी है। गलत किया, बहुत गलत किया, अब कछु नहीं होना है, सिर्फ रोना ही रोना है। अरे अब तो नरसंहार होगा रे, नरसंहार होगा। बेटे की मौत पर रो रही है, अरे कछु तो शर्म करो। माता श्री जेल ले, कफन उड़ा ले अपने सिपहिया पे, नहीं तो जे साले हमसे भी ज्यादा हरामी हैं, नोच नोच के खाएंगे। अरे नोच नोच के तो तुझे खाएंगे हरामजादे, जिन हाथों से तूने मेरे बेटे को मारा है, ईश्वर करे वहां कट जाए, गल जाए। नो से जे। ये मां का श्राप है। और जी उतर देते जगीरा का कैरन पत्थरों में, ताकि हर माँ अपने बच्चे को लोरी सुना के समझा दे, बेटा जगीरा के सामने नाव चलियो, पतन की राह पे पतन के नौजवान शहीद हो। Thank you.
साहब, मेरा बेटा बहादुर सिपाही की तरह लड़ा, अपनी माँ की इज्जत बचाते बचाते। बहादुर सिपाही की मौत पर रोते नहीं, यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, चलो चलो आउट। घबराओ नहीं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जान खतरे में सर, खून अरेंज करना पड़ेगा। लड्डू को क्या हुआ? बी नेगेटिव सर। ओह माय गॉड, इट इज अ रेयर ग्रुप, एक ग्रुप मिलने का बहुत मुश्किल है सर। बी नेगेटिव है किसी का? कर्नल गुरु में से किसी का है? आप यहाँ पता कीजिए, मैं बाहर देखता हूँ। कब मुझे? हाँ, गुरुम, गुरुम का है? गुरुम? अरे गुरुम को फौरन बुलाओ। कहाँ है गुरुम? जरा जल्दी बुलाओ उसे। क्या हाल है डीके? अरे गुरु, अच्छा हुआ तू आ गया। डीके को तुम्हारे खून की जरूरत है। बी नेगेटिव, चल जल्दी कर, जल्दी कर, उसकी जान खतरे में है। सोच क्या रहे हो गुरु? डॉक्टर जल्दी करो। मैं खून नहीं दे सकता। क्या कह रहे हो? इट इज अर्जेंट गुरु। मेरा उसूल है, मैं किसी को अपना खून नहीं देता। क्या कह रहे हो गुरु? गुरु सुनो, सुनो तो। अरे खून नहीं मिला तो डीके मर जाएगा। कम ऑन गुरुम। क्या हुआ? गुरुम ने खून देने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, खून मिल गया, आओ। गुरुम भी कमाल आदमी है, बड़ी बड़ी तो भाग गया। अरे ये तो अच्छा हुआ कि ब्लड मिल गया, वरना पता नहीं क्या होता। यस सर। ए संध्या, घबराओ नहीं, खून मिल गया है, डीके ठीक हो जाएगा। आप इस मिशन को बंद कर दीजिए, आप लोग वापस चाहिए। देखो मुझसे तो तुमने कहा है, लेकिन किसी और से ये मत कहना। मगर सर, संजय, अब हम पीछे नहीं हट सकते। गुरुंग पर से हमारा विश्वास उठ चुका है, अब हम साथ काम नहीं कर सकते। किशनकांत, अब या तो वो रहेगा या हम। अरे सेल्फिश है वो और कुछ नहीं। ऐसे खुदगर्ज और बेरहम इंसान के लिए यहाँ। गुरुंग खुदगर्ज नहीं है। अरे तो फिर उसने खून क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि डीके मर जाए। गुरुंग को ब्लड कैंसर है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात का पता चले। एक बार सोच लो बेटी। पहले सोच लिया काका।